हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्सल प्लानर चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेव द डेट फोटो किस तरीके से एडिट करते हैं इसके बारे में, और किस तरीके से सेव द डेट का लोगो लगाते हैं और नाम लिखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये फोटोग्राफ्स ओपन कर रखा है, अब हम इसको सेव द डेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सबसे पहले कलर लाइट है थोड़ा, इसको डार्क करने के लिए लेवल्स का ऑप्शन लेते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल, इससे हम थोड़ा सा फोटो को डार्क कर लेते हैं स्टेप से, जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट ओके पे क्लिक करते हैं। इसमें देखिए, कल बैकग्राउंड में कलर इफेक्ट देने के लिए पहुंच जाएंगे इमेज मोड और CMYK के कलर पे क्लिक करेंगे, ये इसका मोड चेंज हो जाएगा। और फिर जाएंगे चैनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये मजेंटा को कॉपी करेंगे कंट्रोल ए करके, और येलो पे पेस्ट करना है, इसके अंदर पेस्ट करना है, वापस सारा शो करना है CMYK के। और फिर इसके कलर मोड चेंज करेंगे, मोड चेंज करने के लिए मोड में RGB पे क्लिक करते हैं, ये मोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ना, कलर थोड़ा लाइट लग रहा है तो थोड़ा डार्क कर लीजिए। डार्क करने के लिए लेवल टूल लेते हैं, इसके शॉर्टकट है कंट्रोल एल, इसे थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। नेक्स्ट ओके पे क्लिक करिए। अब इसमें सेव द डेट का लोगो लगाते हैं। लोगो मैंने ओपन कर रखा है, तो ये लोगो मैंने यहाँ से लेके आपको ये लोगो लगा देते हैं। इसमें ये सेव द डेट का लोगो लग गया। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर लेयर में जाके ऐड लेयर स्टाइल से आप यहाँ से लेयर सेलेक्ट करके लेयर स्टाइल ऐड पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से कलर ऑप्शन लेके आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। जैसा आपको कलर लगता है वो कलर आप रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको कलर सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करिए, ये ओके फाइनल। अब आप इसमें नाम और डेट ऐड कर दीजिए, नाम इस तरह के साथ लिख दीजिए, इसको छोटा बड़ा करना तो कंट्रोल टी करके कर दीजिए, कंट्रोल टी से छोटा हो जाएगा। इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो वही ऐड लेयर स्टाइल से कलर चेंज कर सकते हैं। फिर डेट अपन लाके यहाँ रख देते हैं, डेट को थोड़ा छोटा करके इसके सेप के हिसाब से, लोगों के सेप का अगर आप सेप देना चाहते हैं तो टाइप टूल के अंदर एक ऑप्शन टूल में दे रखा है आपका ऑप्शन वार चेंज करने के लिए, ये सेप यहाँ से आप क्लिक करिएगा तो ये सेप चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप सेप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कम ज़्यादा सेट करके ओके। नेक्स्ट आप इसको सेट कर लीजिए। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं ना तो वही लेयर स्टाइल से आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे कलर चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट ओके। अब आप इसको सबको चाहते हैं एक साथ आगे पीछे करना तो लेयर सबशिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको आप जरूरत के हिसाब से मूव करके मूव टूल से रख सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से सेव द डेट इमेज एडिट हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।